जंगल में भटकनो। परमेश्वर ने इसराइली लोग ना उनको ही नियम को बतानो बंद करिस, जिनको उनने बांधी गई वाचा के कारण पालन करनो है। फिर उन्हें सीने पहाड़ी से सामूर उनकी अगुवाई करिस, ही उनको प्रतिज्ञा के देश में ले जानो चाहत होतीस। यो देश कनान देश भी कहलात होतीस। परमेश्वर बादल के खम्बा में उनके सामूर सामूर चलिस और ही ओके पीछे पीछे चलिन। परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा करे होतीस कि ही लोग प्रतिज्ञा के हु देश में उनके पीढ़ी ना उनको देहे, पर या समय में वहाँ पे बहुत सारी जाति नाउन रहत होती ही कनानी कहलात होती। ही कनानी लोग परमेश्वर की आराधना नी करत होती और ओ की आज्ञा को नी मानत होती। ही झूठे देवता नाउन की आराधना करत होती और बहुत से बुरे काम करत होती। परमेश्वर ने इसराइली लोग नाउन से कहिस, जब तुम वह वाचा के देश में जाओ तो वहाँ के सप्पाई कनानी लोग ना उनसे छुटकारा पा लेने, उनके संग मेल मिलाप मत करने और हिनके से बिहाव मत करने। तुमा को उनकी सप्पाई मूर्ति ना उनको नाश कर देनो है। अगर तुम मोरी आज्ञा नी मानो तो तुम मोरे बजाय उनके देवता ना उनकी उपासना करन लग जाओ। जब इसराइली लोग ना उन कनान देश की सीमा में पहुंची, मूसा ने इसराइल के हर एक गोत्र में से एक एक करके 12 मानुष ना उनको चुनिस। उन्हें उनको जाय के हु देश को भेद लेन को आदेश देस की हु कसो देश है। उनको उन कनानी लोग ना उनको भेद भी लेनो होतीस कि देखो ही शक्तिशाली या उन 12 मानुष ना उनने पूरे कनान देश से होते हुए 40 दिन की यात्रा करीन और फिर ही वापस लौट के आईन। उनने लोग नाउन को बताइन हु देश बहुत फसल देन वालो और हरो भरो है। पर 10 भेद लेन वाले नाउन ने कही उनको शहर बहुत मजबूत है और ही लोग हष्ट पुष्ट हत। अगर हम उनके पे हमला करबोन तो पक्को छी लोग हमा को हरा देहेत और हमा को मार डालेत। तुरत कालेब और यहूसु और दो भेद लेन वाले ने कहीन, यह सही बात है कि कनान देश के लोग हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली है, पर हम उनको पग को हरा सकतन। परमेश्वर हमारे गुना लड़ाई लड़े, मगर लोग नाउन ने कालेब और यहूसु की नी सुनीन। ही लोग मूसा और हारून पे गुस्सा भय गई और कहीन, तुम हमा को या भयानक जगह में काय के गुना लेके आए हो। हमा को मिस्र देश में रहे पाए जेत होतीस। अगर हम हु देश में जाबोन तो हम लड़ाई में मारे जाबोन और कनान देश के लोग हमारी लुगाई और तुराना उनको गुलाम बना ले। ही लोग उनको वापस मिस्र देश में ले जान के गुना एक दूसरो अगुआ चुनो चाहत होती। जब ही लोग ना उनने असो कहीन तो परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गई थी। वो मिलाप वाले तंबू में आईस और कहीस, तुमने मोरे खिलाफ विद्रोह करे हो, एके गुना तुम सप्पाई को यो जंगल में भटकनो पड़े। हर एक जन जो 20 साल या ओके से ज्यादा उम्र को है वहाँ पे मर जाए और कभी भी हु देश में जा नहीं सकन को, जो मैं तुम्हा को देता। सिर्फ कालेब और यहोशू ओके में जा सकता है। जब लोग नाउन ने परमेश्वर को असो कहते सुनीन तो ही दुखी भय गई, काया कि हुन्ने पाप करे होती। एके गुना हुन्ने कनान देश के लोग नाउन पे हमला करन को फैसला करीन। मूसा ने हुनको नी जान के गुना चेतावनी देई, काया कि परमेश्वर हुनके संग नी जाए, पर हुन्ने हुनकी नी सुनीन। परमेश्वर या लड़ाई में उनके संग नी गए होतीस, उनके संग नी गए होतीस। एके गुना कनानी लोग ना उनने उनको हरा दे और उनके में से कई लोग ना उनको मार डाली। तब इसराइली लोग कनान देश से
वापस लौट गई। सामूर के 40 साल तक ही जंगल में इते उते भटके। इजरायली लोग नाउन जंगल में भटकन के 40 साल के चलते परमेश्वर ने उनकी जरूरत नाउन को पूरो करी। उन्हें उनको स्वर्ग के मन्ना कहलान वाली रोटी दे। उन्हें बटेर नाउन के झुंड भी जो मध्यम आकार के पक्षी होतत उनकी छावनी में भेजी ताकि उनके जवर खान के गुना मास हो। वह पूरे समय में परमेश्वर ने उनके कपड़ा और जूता नाउन को फटन से बचाए के रखीस। यहाँ तक कि परमेश्वर उनको पीन गुना चमत्कारी रूप से चट्टान में से पानी निकाली तीस। पर यो सपाई होन के बजाय भी इजरायली लोग नाउन ने परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ शिकायत करीन और कुड़कुड़ाइन। तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य होतीस। उन्हें जो प्रतिज्ञा करे होतीस कि ही अब्राहम इसहाक और याकूब के पीढ़ी नाउन के गुना करे और उन्हें हु करिस भी। एक और बार जब ही लोग नाउन के जवर पानी नहीं होतीस परमेश्वर ने मूसा से कहिस चट्टान से बोल और ओके से पानी निकले। पर मूसा ने चट्टान से बात नहीं करी बजाय एके उन्हें छड़ी से चट्टान पे दो बार मारिस। ऐसे तरीका से उन्हें परमेश्वर को निरादर करिस। सपाई लोग ना उनके पीन के गुना चट्टान में से पानी तो निकल गईस पर परमेश्वर मूसा से गुस्सा भय गईस। उन्हें कहिस काया कि तूने असो करेसस एके गुना तू प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं सकबे। जब इसराइली लोग 40 साल तक जंगल में भटकत गए होतीन तब जिनने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करे होतीन ही सब पाई मर गए होतीन। तब परमेश्वर ही लोग ना उनको दोबारा से प्रतिज्ञा के देश में सीमा तक ले गई। अब मूसा बहुत बुड़गो भय गए होती। एके गुना परमेश्वर ने लोग ना उनकी अगुवाई करण में ओकी मदद करण के गुना यहोशु को चुनी। परमेश्वर ने मूसा से या भी प्रतिज्ञा करे होती कि एक दिन हु ही लोग ना उनके जवर मूसा के जसो एक भविष्यवक्ता भेजे। फिर परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जान के गुना कही ताकि हु प्रतिज्ञा के देश को देख सके। मूसा ने वह प्रतिज्ञा के देश को देखिस पर परमेश्वर ने ओको ओके में जान की आज्ञा नहीं दी। तब मूसा मर गईस और इसराइली लोग ना उनने 3 दिन तक दुख मनाई। यहोशु उनको नयो अगवा बन गई। यहोशु एक साजरो अगवा होतीस काया कि उन्हें परमेश्वर पे भरोसा करीस और ओकी बात को मानीस।